हेलो, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी बात आपको बताएं कि इससे पहले वीडियो आई थी कौन सी, सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप वाली वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से चेंज होती है, ठीक है। दूसरी बात, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो पूरा निचोड़ है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो उसी वीडियो में, ठीक है ना, पूरा निचोड़ जो कि आपको टेलीस्कोप में भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा और टेलीस्कोप कोई भी हो, है ना, सब कुछ वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। 40-50 मिनट की वीडियो है, यदि आप देखना चाहते हो क्या करोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अभिषेक साहू, करीब 40 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको जा करके देखना, ठीक है ना, छोटी वाली को मत देखना, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये फॉर्मेलिटी है, ये आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या, वो माइक्रोस्कोप जो मेनली बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाने के लिए यूज़ होता है, मेनली बायोलॉजिकल फील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रे डायग्राम है वो बुक में देखोगे या फिर कहीं पे भी देखोगे, यदि आप नहीं जानते उसको, तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन होता वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कैसे होते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस, दैट मीन्स जो जो लेंस होता है ऐसे पकड़ के देखने वाला है ना, वो कौन सा होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसी का नाम सिंपल माइक्रोस्कोप है। और जब एक छोटा एक बड़े लेंस का कॉम्बिनेशन होता है इस तरह से कि भाई ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा, तो हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें इमेज वगैरह को किस तरह से रखा जाता है, ये मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह किस तरह से रखा जाएगा, वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके पहले आपको दो तीन बातें, छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। बोला क्या कि अगर हमारा ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, ये हमारा फोकस है, और ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस के बाहर, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा इस तरह छोटा, ठीक है ना, कंपैरेटिवली छोटा। बोला किसके कंपैरिजन में, कि यदि हमने ऑब्जेक्ट को, मान लो लेंस अपना यही है, ठीक है, यदि हमने ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस के अंदर रख दिया, कहाँ रख दिया, फोकस के अंदर, तो हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ। बोला ये रहा फोकस, इमेज फॉर्मेशन हमने देखा कि भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन पीछे की साइड हुआ, मतलब बहुत बड़ी इमेज जाकर के बनी, कैसी, बहुत बड़ी इमेज बनी, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो आपको कि जितना आप फोकस के, मतलब फोकस के यदि आप अंदर रखोगे, कहाँ रखोगे, मतलब फोकस के अंदर, ठीक है, तो आपको किस तरह की इमेज मिलेगी, बोला मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, ठीक है। फोकस के बाहर रखोगे तो इमेज आपको मिलेगी छोटी, ठीक। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है और क्यों होता है, सारी बातें आपको बताते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो पहला लेंस होता है, दो लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक लेंस है आपका ये वाला, ठीक है ना, एक ये लेंस है जिसके आगे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, किसको रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। चलिए, तो इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एक लेंस होगा जिसका नाम होगा आई लेंस, क्या, जो कि आंख जिस पे हम रखेंगे उसका नाम होता है आई पीस, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई पीस, ठीक है। देखो, कंडीशन क्या है कि पहले जो लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, चलिए इसकी फोकल लेंथ हुई ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है ना, चलिए ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां पर ये, ठीक है ना। बोला क्यों, सारी बातें बताएंगे, टेंशन मत लो, ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहां पे, ठीक है, ये लाइट दे गई ऐसे और ये इस तरह से पास होगी, तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहां पर, ये इमेज बन गई, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि भाई ये जो इमेज है ना वो हाईली मैग्नीफाइड बने, कैसी बने, हाईली मैग्नीफाइड। बोला कैसे बनेगी, तो हम एक काम करें कि यदि हम एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दें तो ये जो इमेज है वो कैसी बन जाएगी, वो हाईली मैग्नीफाइड बन जाएगी, कैसी बन जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो बड़ा वाला लेंस लिया, बड़ा वाला ये लिया अपना बड़ा वाला लेंस, चलो ये हमारा जो सेकंड वाला जो लेंस है, चलिए वो ऐसा हो गया, ठीक है, ये कम फोकल लेंथ वाला लेंस है और ये ज्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस है, ठीक है। इसका अपर्चर भी बड़ा है, इसका अपर्चर छोटा है, अपर्चर मीन्स इसकी ओपनिंग, ठीक है ना। देखो, तो ये भी क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो, इस कॉन्वेक्स लेंस को किस तरह से रखा जाए, इस कॉन्वेक्स लेंस को यहां भी रख सकते हैं, 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 कहां रखा जाए,
तो इस कॉन्वेक्स लेंस को हम रखते हैं हमेशा इस तरह से, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये बड़ा वाला कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ है ये दोनों साइड, तो हमने इस कॉन्वेक्स लेंस को उठाया, बोला ये उठा लिया, ठीक है, और इस फोकल लेंथ को उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रखेंगे तो मान लो कि भाई इसकी फोकल लेंथ आ गई यहाँ पे, कहाँ गई यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि यदि फोकल लेंथ के बाहर ऑब्जेक्ट रखा तो छोटी इमेज बनाएगा, कैसे बनाएगा, कंपैरेटिवली छोटी इमेज बनाएगा, तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि इस कॉन्वेक्स लेंस को और स्ट्रैटो घुसकाया, और स्ट्रैटो घुसकाया तो ये जो फोकल लेंथ है ना इसकी, वो कहाँ आ गई, फोकल लेंथ आ गई इसकी यहाँ पे, इस फोकल लेंथ का हमने नाम दे दिया कि दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, किसकी फोकल लेंथ है, आई पीस की, ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है ना, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, एफ ओ, ठीक है, चलिए लेंस की फोकल लेंथ दोनों साइड है क्योंकि इसके बाद दो सर्फेसेस हैं, तो ये अपना इतना हो गया, ये इतना और ये इतना, ठीक है ना, तो ये इसकी फोकल लेंथ, यहां से ये क्या है भाई, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज है, ठीक है ना, अब ये जो आईपीस है, आईपीस वाला जो लेंस है, ये क्या करेगा, ये इस ही इसी इमेज को और बड़ा दिखाएगा, क्या करेगा, इसी इमेज को और बड़ा करेगा, तो उसका मतलब क्या है, आईपीस के लिए ये जो इमेज है ये किसका काम करेगी, बोला ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, तो यहां पे देखो ये इस तरह से इसमें से एक लाइट जाएगी, एक लाइट रे, और यहां से ऐसे पास हो गई, एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये बाहर को जा रही है तो ये एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या बन गई, ये आई बन गई, ठीक है ना, ये आई, बात को समझ पा रहे हो, ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसको रिट्रेस करेंगे, पीछे हमने रिट्रेस किया, ये हमने इसको थोड़ा सा इसको रिट्रेस जब करें तो लाइन को एकदम सीधा लेकर के आए, ठीक है ना, ठीक है, ये हमने लाइट रे को इस तरह से ले आए, ठीक, तो हमारी जो लाइट रे है वो कुछ यहां पे मीट कर गई, और जब यहां पे मीट कर गई लाइट रे तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गई, ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है ना, ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से, इसको इतना शिफ्ट किया, इसको इतना शिफ्ट किया, इतना शिफ्ट किया कि हमारी इमेज का साइज कैसा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा होने के साथ साथ ये हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, तो हमने इसको किस तरह बना दिया, बोला इस तरह से इसको बनाया, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रहा है, यानी कि स्पष्ट न दिखाई देने वाली जगह पे हो रहा है, ठीक है ना, एकदम क्लियर, ठीक, तो ये इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, डी, इस लेंस का नाम हो गया आईपीस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ई से, और इस लेंस का नाम हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया जिसका ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ठीक है ना, ध्यान दो, कंडीशन क्या है कि भाई अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रही बोला ए डैश और ये बी डैश, ठीक है, इस इमेज की ये इमेज है, दैट मीन्स ये आपका ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, ठीक है ना, बहुत जरूरी बात, ये आपका पूरा डायग्राम हो गया, क्या हो गया, पूरा डायग्राम हो गया, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दो, अब क्या करेंगे, अब इसमें नोमेनक्लेचर कर दें, ठीक है, हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेना है, जिसमें क्या होगा, एंगल बना दें, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, यहां पे लिखेंगे एम इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड, क्यों होता है हमने आपको बता दिया है ना, एंगल सबटेंडेड बाय, लास्ट वीडियो में एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, ठीक है, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ प्लेस्ड एट, व्हेन बोथ प्लेस्ड एट सेम लोकेशन, है ना, सेम लोकेशन, ठीक है, देखो एंगल बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना कि इमेज, फाइनल इमेज कहाँ है भाई, फाइनल इमेज ये रही, फाइनल इमेज से लाइट रे जा रही है बोला ये जा रही है, तो ये वाला जो एंगल हो गया, हमेशा ध्यान रखना इमेज के द्वारा बनाए जाने वाला एंगल हम कन्वेंशनली बीटा लेते हैं, कौन सा लेते हैं, बीटा, ठीक है, ध्यान देना, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाती है लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम जानते हैं कि भाई एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई कितना हो गया, बोला बीटा हो गया, कितना हो गया बीटा, ये हो गया, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ऑब्जेक्ट आंखों पर कितना एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट आंखों पर कितना एंगल बना रहा है जब दोनों सेम लोकेशन पर रखे हो, सेम लोकेशन का मतलब कि यदि ये ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज सेम लोकेशन पर रखे हो तो कितना एंगल बनेगा, तो हमने धीरे से
इस ए बी को खिसकाया, स्लाइड किया, स्लाइड किया, स्लाइड किया और इसको यहाँ ले आए, समझ पा रहे हो? इस ए बी को, ये वाले ए बी को हमने स्लाइड किया और इसको कहाँ ले आए? यहाँ ले आए। कहाँ ले आए? यहाँ ले आए। बात को समझ पा रहे हो? और हमने इसको यहाँ पे लेकर के आ गए, तो मान लो कि ये हमने इसको यहाँ पे ले आए और यहाँ से एंगल बनाया, बोला कितना बनेगा? अल्फा। बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि हमने अभी इसको हटा देंगे, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को उठाया यहाँ से और देखा कि भाई यहाँ से एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। क्यों? हम क्या मानते हैं कि एंगल मेड बाय इमेज एट आई अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, ऐसा मानते हुए कि दोनों सेम लोकेशन पर रखे हुए हैं। तो सेम लोकेशन पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर खिसका दिया और देखा कि इतना, ये एंगल कितना हो गया? अल्फा। कितना हो गया? अल्फा। इसी चीज को हम कैसे दिखाते हैं? बोले ऐसी चीज को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर बना लें कि भाई ये कितना है, ये हमारा एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। अदरवाइज हम इसको दिखाएंगे नीचे, चलिए, ठीक है ना। ये अपना कितना बन रहा था? ये हमारा बी डबल डैश, ठीक है ना, ये है हमारा एफ ई और ये हो गया हमारा सिंपल, हाँ जी, बी डैश, ठीक है ना। ध्यान दो, क्लियर है तेरी बात? हम क्या करते हैं कि हमने ऐसा माना, ये आपका हो गया फिगर वन। क्या हो गया? फिगर वन, ठीक है। बात हमने आपको बता दी, अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। इसको खिसकाया अपना और इस तरह से, अब देखो फिगर वन हो गया आपका। फिगर वन में क्या हो रहा है? ये हो गया ये सिंपल रे डायग्राम। फिगर टू आप इसके नीचे बनाएंगे। फिगर टू में आप लिखेंगे कि भाई यहाँ पर यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता, बोला ये सिंपलिसिटी के लिए कर रहे हैं आपको, ताकि आपको डेरिवेशन बहुत आसान लगे। ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा होता कि ए बी, ठीक है ना, और डायरेक्ट यहाँ पर रखा होता और ये लाइटर जारी होती ऐसे, इस तरह से, ये होती हमारी यहाँ पे आँख, ठीक है। चलिए ये एंगल बन रहा होता अल्फा, ठीक है ना। देखो ये जो आँख है, आई है, सुनो एक चीज़ आपको बताएं कि जो आँख होती है वो लेंस के ठीक ऊपर होती है। दैट मीन जो आई से और इस पॉइंट की डिस्टेंस है और लेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है ना। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मान लो आपकी ई पॉइंट हो गया, ये आँख है, तो बी ई, बी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है, देखो बी से लेके, अच्छा बी डबल डैश, ये क्या है भाई? बी डबल डैश। हमने क्या किया, इस ए बी को उठाया यहाँ पे, तो ये ए बी हो गया। अब देखो इस पॉइंट से लेके ई तक की डिस्टेंस क्या है? बोला डी, ठीक है ना। तो बी ई की डिस्टेंस कितनी हो गई? बी की डिस्टेंस, बोला डी। बी कितनी हो गई? डी। बी डबल डैश ई की कितनी हो गई? बोला डी। एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखो इतनी बात क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आया तो बस खत्म है, फिर कोई जरूरत टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार और रिमाइंड करके देखना, क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो तो फॉर्मूला क्या बनता है अपना? फॉर्मूला बनता है हमारा इस तरह से, देखो m इज इक्वल टू, ये आपको फिगर टू बनाना जरूरी है, ठीक है ना। फिगर टू आपको ये बनाना जरूरी है ताकि पता पड़ेगा कि भाई किस तरह से अल्फा बन रहा है, ठीक है ना। तो m का फॉर्मूला हमारा, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, m इज इक्वल टू टेन बीटा, यदि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, ठीक है। ध्यान दो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल ले लें? ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन बेस, बेस कितना है? बी डैश ई, ठीक है ना। टेन अल्फा, टेन अल्फा किस ट्राइंगल से निकालो? इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल या फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन बी ई, क्लियर है तेरी बात? ठीक है, क्या करें भाई, अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी? m इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा का मतलब क्या? टेन बीटा की वैल्यू a डैश, हाँ जी, a डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ठीक है। अपॉन में रखोगे क्या? ए बी अपॉन बी ई, ठीक है। ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर आके पलट जाएगा, तो हमने डायरेक्ट इसको यहां पर रख दिया, ये आपका बी ई अपॉन ए बी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? डेरिवेशन हमारा ऐसे भी हो जाएगा, हम चाहते हैं कि भाई बाद में हमें किसी तरह के चेंज ना करना पड़े, तो यहाँ पर एक चेंज करते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा देखोगे ए बी ओ, क्या देखो यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए हियर ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर ट्राइंगल, क्या लिखिए आप? आर सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल,
यदि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा। अच्छा देखो एक चीज़ आपको बताएं कि जो डेरिवेशन है ना अलग अलग मेथड से किया जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट मेथड से भी होता है और जो हम करा रहे हैं एक स्टैंडर्ड मेथड से भी होता है, ठीक है ना। बस हर तरह के बोर्ड के लिए, हर स्टेट बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, है ना, किसी भी कंडीशन में आपको सारे मार्क्स मिले, इसलिए हम इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे, है ना, इस डेरिवेशन को एक अच्छे या फिर हम बोले कि स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी भी बोर्ड से हो आपको सारे मार्क्स मिले, ठीक है। देखो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दोनों के परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू इसका बेस बी डैश ओ, बी डैश ओ अपॉन इसका बेस बी ओ, ठीक है ना। तो देखो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ए डैश बी डैश किसके बराबर है, बी डैश ओ के, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो, एम इज इक्वल टू कितना मिल गया, ए डैश बी डैश की जगह बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई, ठीक है, इंटू बी ई की जगह बी ई पुट करो, बी ओ की जगह या फिर हम ए बी की जगह क्या पुट करें, बी ओ, ए बी की जगह बी ओ, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। M is equal to B dash O, B dash O, देखो B dash O, ध्यान से देखना, ध्यान से, O मतलब objective lens से distance देखनी है इस point B dash की, तो देखो ये जो objective lens है, इसके लिए image कौन है, objective lens ने image कहाँ बनाई, बोला ये बनाई, तो ये point क्या हो गया, objective lens की image हो गई, image distance हो गई, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, image of objective lens, ठीक है ना। अच्छा जबकि यही क्या है, इस आई पीस की क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दिस इज आई पीस का ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, समझ पा रहे हो ना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव की इमेज है, इमेज डिस्टेंस, जबकि इसकी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है भाई, ये देखो हमारा, चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, ये क्या है, यू ओ ऑब्जेक्टिव के लिए ये, ठीक है। अब देखो इसके लिए इमेज क्या है भाई, इसके लिए आई पीस के लिए इमेज क्या है, तो आई पीस के लिए इमेज है ये वी ई, ठीक है ना, और इस वी ई की वैल्यू क्या है, डी। देखो पुट करें वैल्यूज, बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ, दैट मीन्स इमेज, तो ये हो गया वी ओ, ठीक है ना, इस लेंस से राइट साइड में तो प्लस वी ओ, ठीक है। बी डैश ई, बी डैश ई, ई मतलब आई पीस से, समझ पा रहे हो ना, ई का मतलब क्या, आई पीस से, तो ई बी डैश ई, बी डैश ई, ध्यान देखो, तो ये क्या है भाई, इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यू ई, किस साइड है, बोला नेगेटिव साइड में, लेफ्ट साइड में, इस लेंस से लेफ्ट साइड में, ठीक है। इनटू बी ई, बी बी ई कहाँ है, देखो बी कहाँ है, बी कहाँ है, देखो बी ई, ये नहीं लेना बी ई, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, बी ई कहाँ है भाई, डी, ध्यान देना, इस ई से ये जो डिस्टेंस है वो किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो माइनस डी अपॉन बी ओ, बी ओ कहाँ पे, बी ओ ऑब्जेक्ट से इस साइड, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव यू ओ, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू आई पीस के नीचे, आई पीस वाली, तो वी ओ अपॉन, अच्छा यू ओ माइनस में है, तो ये माइनस यू ओ इंटू माइनस डी अपॉन माइनस यू, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमने माना कि भाई ये ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन है और ये आईपीस की मैग्निफिकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन, ये आईपीस की मैग्निफिकेशन, और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, चलो एक काम करते हैं, वी ओ अपॉन यू ओ, ये माइनस लगा है, और ये डी अपॉन यू, ठीक है ना। चलिए इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर थ्री, बात समझ पा रहे होगा, ठीक है। यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो एम ओ इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है ना, बहुत जरूरी बात, बस देखो कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, बोला मैग्निफिकेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालना है कि भाई उसमें फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करें, उसमें इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, और हमारे पास काफी सारी बातें आ जाएं, तो कुछ नहीं करेंगे, इस डी अपॉन यू ई की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, इस डी अपॉन यू ई की, ठीक है ना, बस डी अपॉन यू ई की वैल्यू निकालो, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पे लगाएं बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है भाई, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। देखो
अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी हो सकता है और इमेज आईपीस के लिए भी हो सकता है ये फॉर्मूला। तो हम किसके लिए लेंगे, जो फाइनल इमेज बना रहा है, फाइनल इमेज कौन बना रहा है, आईपीस। तो 1/FE = 1/VE - 1/UE, वैल्यूज पुट करो भाई। फोकल लेंथ हमेशा इसकी क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव, तो 1/FE पॉजिटिव है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/VE। VE का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। VE देखो, VE कहाँ है भाई, लेफ्ट में ना, आई पीस के लेफ्ट में है, तो 1/-D, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो माइनस का 1/D, ये माइनस। UE ये भी कहाँ है, लेफ्ट में है, ठीक है ना, तो ये माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 1/FE = 1/FE = ये माइनस का 1/D और ये आपका जो है प्लस का 1/UE, ठीक है। एक काम करें, मल्टीप्लाई डी बाय बोथ साइड, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो D/FE = -D/D + D/UE, ये कैंसिल हो जाएगा। तो D/, बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है, समझ पाओ तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करो या ना करो, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना। आपके लाइक से मोटिवेशन तो मिलती है, लेकिन कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपका फीडबैक मिलता है, आपका रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो जरूर करना, ठीक है ना। तो -1 + D/UE, ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आ रहा है आपको, इस D/UE की वैल्यू निकाल दो बस, कितनी आ जाएगी, D/UE = 1 + D/FE, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी D/UE की। बस इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, क्या करोगे, M = -VO/UO, और ये आपकी इस वैल्यू को पुट करो, कितनी निकाल दी आपने, 1 + D/FE, ये आपकी हो गई मैग्नीफिकेशन, क्या हो गई आपकी, मैग्नीफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या हो गई, मैग्नीफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, ध्यान देना, समझ पाओगे बात को, ठीक। यहाँ पर देखो एक ज़रूरी बात, केस टू में क्या होगा, केस टू में इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है कि यदि हमारा ये जो लेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके फोकल लेंथ पर रखाओ, कहाँ रखाओ, ध्यान से देखना, यदि जो यूई है, क्या यूई, ये जो ऑब्जेक्ट है आईपीएस के लिए, यदि इस फोकल लेंथ पर रखाओ, कहाँ रखाओ, एक बार फिर समझो, हमें करना है केस टू में क्या डिस्कस करना है, कि इमेजेस इन्फिनिटी पे कब बनेगी, ठीक है, तो इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब लाइट कहाँ से आ रही हो, पैरेलल लाइट रे जब आती हैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो फोकल लेंथ पे, ठीक है ना, जैसे मान लो अगर ये कंडीशन बनती, ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ पे, ठीक है ना, एक लाइट रे जाएगी ऐसे, एक बार फिर देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर रखा है इस तरह से, ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ पे, ये इस तरह से लाइट जाएगी, ये इस तरह से, तो ये लाइट क्या जा रही है, बोला पैरेलल, तो ये लाइट कहीं भी जा करके नहीं मिलेंगे, ठीक है, और पैरेलल लाइट में क्या होगा, हमारी आंखें हमेशा रिलैक्स्ड मूड में रहती हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दो, यदि हम चाहते हैं केस टू, दैट मीन्स इमेज शुड बी फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो लाइट कैसी आनी चाहिए, बोला पैरेलल लाइट रहनी चाहिए, और पैरेलल लाइट रे कब आती है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है आईपीएस के लिए वो फोकल लेंथ पर रखा हो, कहाँ रखा हो, फोकल लेंथ, तो जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ के बराबर, मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आईपीएस के लिए कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ के बराबर, दैट मीन ये जो यूई है इसकी जगह एफई होना चाहिए, दैट मीन यूई की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस के बराबर, तो UE की जगह आप FE पुट कर दें, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, तो M इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा -VO/UO × D/FE, ठीक है ना, ये हो गया आपका केस टू व्हेन इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, ठीक है। रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो रे डायग्राम इसका बनेगा ऐसे, देखो ये पहला लेंस, ये ऐसे, ये इमेज जा रही है ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे मीट करी, ठीक है, ये इमेज बन गई यहाँ पर, हमने ऐसा किया कि भाई ये फोकल लेंथ है किसकी, टाइम तो नहीं पूरा हो गया अपनी वीडियो का, ठीक है, देखो ये फोकल लेंथ है ऐसे, ये थोड़ा अपर्चर इसका बड़ा रखते हैं,
ठीक है, ये इस तरह से इसकी फोकल लेंथ पे हमने इस लेंस को कैसे रखा, इसकी फोकल लेंथ पे, तो लेट से एफ ई, ठीक है, और ये इतनी है तो ये भी इतनी ले लेते हैं, ठीक है, ये चलो एक लाइटर पास हुई ऐसे और एक लाइटर पास हुई ऐसे, ठीक है, तो ये लाइट कैसी हो गई, बोला ये पैरल हो गई, कैसी हो गई, पैरल, तो अब ये लाइटर ना यहाँ मिलेंगी और ना यहाँ मिलेंगी, तो ये सेटिंग कैसे हो गई, बोला पैरल लाइटर के लिए सेटिंग, कैसी हो गई, पैरल लाइटर के लिए सेटिंग हो गई, ठीक है ना, अब बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे, क्लियर है ना। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो, कन्फ्यूजन रही हो, कमेंट तो करना, लेकिन इससे पहले एक वीडियो देख लेना जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई हुई थी। सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिलेंगी, तो वहाँ से आप एकदम सारी वीडियोस देख सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा, रे ऑप्टिक्स की सभी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, और दोबारा फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।